पानी वाला तो गिर जाए मोटरसाइकिल से गद गद ले। एक आदमी गिर गया यहाँ से ना जाने गाड़ियाँ घूरने लगती है। अभी हम मौजूद हैं बसरिया मोहल्ला, जो नली का पानी से के कारण रोड खराब हो रहा है। आइए हम यहाँ का जनताओं से मिलते हैं। आप बताया जो नली का पानी बह रहा है उसके बारे में बताइए। नली बह रहा है, इसको जो है मुखिया के इतना बाहर बोले जा करके कि मुखिया देख करके भी चल गया, लेकिन जो है यहाँ पर नली कोई सुधार नहीं कर रहा है। नली की वजह से रोड खराब हो रहा है। नली बनने के लिए किसी को सूचना दिए थे क्या? मुखिया साहब को दिए थे तो मुखिया साहब बोलता है कि एक सीयर रहेंगे तब देंगे, जैसे 50% वो रहेंगे तब मतलब हम नली की ठेकेदारी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और रोड इतना खराब हो चुका है कि मतलब आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। कितना दिन पहले दिए थे मुखिया? तो आज साल भर से पार हो गया। तो अपने से साफ की है। आप बताया भी कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग तो अपने से चंदा करके एक दो मरतबा जो है से भाई लोग मिल के भी साफ करवाएं, पर भी जाम हो जा रहा है। बार बार पूरे चौक का पानी आता है, पूरे रविदास मोहल्ला का पानी इसी नाला से निकासी होता है। हम देखते हैं नली का पानी दोबारा। हाँ, आगे कुछ बोलना चाहिएगा? क्या बोले, यहाँ का जो प्रतिनिधि है उन लोग भी ध्यान नहीं देता है। लोग है यहाँ जो ऐसा अंबा प्रसाद भी है, उनको भी सूचना मिला गया था, वो भी ध्यान नहीं देता जनता पीछे, अपने ही काम के पीछे ध्यान देता है। अभी जनता लोग को यहाँ पर कितना परेशानी हो रहा है। तो क्या ये नली का पानी से आपको क्या लगता है कि बीमारी फैलने का कोई संभावना है? बीमारी फैला है, फिर हम लोग का मार्केट जाने में दिक्कत होता है, कहीं भी आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का परेशानी बढ़ रहा है, अभी दूसरे तरफ से होके जाना पड़ता है हम लोग का। अपना पर्चा? मेरा नाम है संजय पटेल।